दोस्तों, अभी अभी इस SSC CHSL का जो है Tier 1 का जो है रिजल्ट है जारी हो चुका है। Tier 1 का रिजल्ट जो है जारी हो चुका है SSC CHSL का। तो इसी में आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप किस तरह से चेक करेंगे हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट से जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको SSC CHSL का अपना रिजल्ट को देखना है। तो देखने के लिए पहले आपको SSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से रिजल्ट के सेक्शन में आना है। रिजल्ट के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ से आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से रिजल्ट का सेक्शन जो इस प्रकार से यहाँ पर खुल कर आता है। तो अभी जो है आपका रिजल्ट आया है CHSL का, तो यहाँ से आपको CHSL पर क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप CHSL पर क्लिक करते हैं, CHSL पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी अभी है Tier 1 का जो है रिजल्ट जारी किया गया है। एग्जामिनेशन कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन Tier 1 का जो है अभी अभी रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसी में आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ये PDF मिलता है। तो यहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके अपना देख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको देखना है। यहाँ पर आपको रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है, रिजल्ट का PDF यहाँ पर दिया गया और राइटअप में यहाँ पर आपको कुछ नोटिफिकेशन इसमें लिखा गया है। चलिए हम यहाँ से रिजल्ट को हम देख लेते हैं। यहाँ से रिजल्ट के PDF पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगा और आपका PDF जो है डाउनलोड होगा, आपको ध्यान में रख लेना। तो PDF ओपन होने के बाद आपको कैसे आपको देखना है अपना रिजल्ट को, देखने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ से आपको इस अपना रोल नंबर से आप देख सकते हैं या फिर अपना नेम से देखना चाहते हैं तो नेम से देख सकते हैं। तो नेम बहुत सारा रहने वाला है, या फिर अपना यहाँ पर फादर्स नेम यहाँ पर रहता है, यहाँ पर DO भी रहता है। तो यहाँ से हम आपको आपको जो है रोल नंबर से देखना है। चलिए हम यहाँ से रोल नंबर से हम आपको चेक करके बताते हैं। तो रोल नंबर आपका यहाँ पर दिया गया, बाकी आपने अपना एडमिट कार्ड में देख लेना कि आपका क्या रोल नंबर है। तो अपना एडमिट कार्ड में देख कर अपना रोल नंबर को यहाँ से सर्च करना है। चलिए हम सर्च कर लेते हैं अपना रोल नंबर को। यहाँ से आपको रोल नंबर देख कर यहाँ से आपको सर्च करना है। सर्च का यहाँ पर लोगो बना हुआ तो यहाँ से आपको सर्च करना। अगर आप कंप्यूटर से चेक कर रहे हैं तो कंप्यूटर में आपको अपना कीपैड में प्रेस करना होगा, कंट्रोल के साथ F प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर आपको सर्च का एक आइकन आ जाएगा। तो उसमें आप सर्च करके अपना देख सकते हैं, अपना सर्च बार में आप सर्च करके देख सकते हैं कंट्रोल F प्रेस करके। बाकी हम यहाँ पर मोबाइल चेक कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको इस तरह से यहाँ पर PDF में यहाँ पर लोगो मिलता है, यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ से आपको क्लिक करके अपना देखना। चलिए हम यहाँ से अब सर्च करते हैं अपना रिजल्ट को। तो यहाँ से हम जैसे कि हम यहाँ से अपना रोल नंबर को हम यहाँ से फिल किए हैं, तो जैसे कि हम यहाँ से रोल नंबर को फिल किए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह से आपको घेरा लग कर आ जाएगा। अगर आपका रिजल्ट आया होगा तो इसी तरह से आपका घेरा लग कर आ जाएगा आपका रिजल्ट आया होगा। तो इसी तरह से आप अपना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा कि आपको ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चाहते हैं कि ऐसे ही आपको अपडेट मिलते रहे लगातार तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जरूर ज्वाइन, जिसका लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं।